अरे ये क्या, तुम तो लड़कियों की तरह रो रहे हो। मतलब हमारा रोना भी कैटेगराइज कर दिया गया है कि आपका जो रोना है वो लड़कियों की तरह है। कोई भी सेरेमनी हो, कोई भी महफिल हो, कोई भी इवेंट हो, हर शख्स आता है स्टेज के ऊपर, आके माँ के ऊपर दो शेर बोलता है और वापस चला जाता है। और बाप के बारे में, बाप के बारे में कोई जिक्र नहीं होता दूर दूर तक, और अगर होता भी है तो सिर्फ इक्का दुक्का सरसरी सा जिक्र होता है, एक दो लफ्ज़ बोले जाते हैं और उसके बाद बस ख़त्म। वुमेंस डे आता है, मदर्स डे आता है, तो बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो इस पर डिस्काउंट लगाते हैं, मॉल्स के ऊपर बहुत बहुत वेबसाइट्स जो हैं वो डिस्काउंट लगाती हैं, 20% off, 25% off। और मेंस डे, वो तो आपको याद भी नहीं होगा कि कब आता है। ना ही उसका कभी जिक्र होता है। चलिए आपकी मुलाकात करवाता हूँ एक ऐसे इंसान से जो इंतहाई सेल्फलेस है। उसकी ज़िंदगी से थोड़ा मैं आपको रूबरू, थोड़ा आशना करवाने की कोशिश करता हूँ कि हाउ इट्स लाइक टू बी अ बॉय, लड़का होना, मर्द होना, बाप होना कैसा होता है। 10th में एग्ज़ाम्स के लिए मेहनत करो, कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें बहुत अच्छे तुम्हें नंबर लेने हैं और उसके बाद अच्छे कॉलेज में जाना है ताकि तुम्हें दाखला मिल सके, और 11th 12th के बाद और ज़्यादा मेहनत करो ताकि और ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी में तुम्हें दाखला मिल सके, और यूनिवर्सिटी में टका के मेहनत करो और अपनी जितनी भी तुम्हारी ख्वाहिशात हैं, जितने भी तुम्हारी अम्यूजमेंट्स हैं उनको साइड पर रख दो, क्योंकि कोई बाप तुम्हें अपनी लड़की दे सके। और उसके बाद शादी है, और शादी से पूरा एक साल पहले अपनी जेब काटना शुरू कर दो। और जेब इसलिए काटनी है कि शादी का जो 5 दिन का हनीमून है उसको एंजॉय कर सको। और आपको पता है पूरा साल जेब काटना किसको कहते हैं? जेब काटना इसको कहते हैं कि जब आपका दिल कर रहा हो कि आपको कोई चीज़ चाहिए और वो चीज़ आपको अवेलेबल भी हो और उसके लिए आपके जेब में पैसे भी हों, लेकिन आप ख़रीद नहीं रहे। क्यों? क्योंकि पूरा एक साल आपको ये प्रैक्टिस जारी रखनी है कि शादी के बाद आप किसी और के लिए ये रख सको, और पूरा एक साल ये करना पड़ता है। और उसके बाद जब शादी हो गई और वो सारा पैसा जो बचा के रखा था वो लग गया, फिर एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब आप कोई त्यौहार हो तो अपने कपड़े नहीं बनाते, बाकी सब के कपड़े बन जाते हैं, लेकिन वो जो एक सेल्फलेस बंदा है वो अपने कपड़े नहीं बनाता और ये कह के टाल देता है कि जो पुराने वाला है वो भी तो नया है, अभी पिछली ईद पे ही तो लिया था। और फिर तब समझ आता है कि हमारे पापा भी ऐसे किया करते थे और वो हमेशा ये बात कह के टाल देते थे कि बेटा वो जो कपड़े पड़े हुए हैं वो भी तो ठीक हैं और पुराने थोड़ी हैं। पता है कितना आसान होता है ये कह देना कि तुम अभी इधर रुको, मैं अभी अपने कपड़े फाड़ूंगी और पुलिस को बुलाऊंगी और फिर देखना तुम्हारा क्या हशर होता है। और उसके बाद पुलिस आती है और उसी एक सेल्फलेस बंदे की सारी उम्र, सारी ज़िंदगी उसकी प्रूव करने में गुजर जाती है। सिर्फ इतनी सी बात प्रूव करनी है कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, ये झूठ बोल रही है। और अगर कोई लड़की रोए तो ज़रूर किसी ने इसको छेड़ा या मारा होगा, और अगर लड़का रोए तो कहते हैं तू भी क्या यार, लड़कियों की तरह रो रहा है। लेकिन पता है किसी ने क्या खूब कहा है कि यार मर्द को भी ना दर्द होता है, बस कोई पूछने वाला होना चाहिए, और उसको वो पूछने वाले कभी नहीं मिलता। पर तुम्हारा क्या है, तुम तो लड़के हो, तुम्हारी बात थोड़ी कर रहा हूं मैं। हमने ना फेमिनिज्म के ऊपर बात करते करते इक्वालिटी को बहुत पीछे छोड़ गए हैं, लेकिन खैर छोड़ो, तुम तो ठहरे मर्द, कहीं भी जाओगे और मुंह मारना शुरू कर दोगे। जब हमें ये बात बोली जाती है तो क्या हमारे कैरेक्टर के ऊपर सवाल नहीं उठता? वी डू हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। और दुनिया के लिए ना हो सकता है ये जिस सेल्फलेस इंसान की मैं बात कर रहा हूँ वो एक मैन हो, लेकिन तुम्हारे लिए ही इज़ जस्ट अ किड, और ये बच्चा पूरी दुनिया से लड़ सकता है। तो फिर कहाँ आके ये टूट जाता है, कहाँ आके ये हार जाता है? जब ये रो नहीं पाता, जब इसका रोना सुनने के लिए इसके पास कोई होता नहीं है। और तुम्हारा क्या है, तुम तो रो लेते हो, रो के बता देते हो कि मैं परेशान हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है। ये किसको बताए जिसको रोने भी नहीं देते हम, और इसीलिए वो सारी उम्र अंदर ही अंदर घुटता रहता है। थोड़ा सा कड़वा लगेगा लेकिन सच है।
ये मुझे मालूम है, ये सारा कुछ तुम भी कर रही हो, तुमने भी मेहनत की है पढ़ाई के अंदर, चैलेंजेस सोसाइटी के अंदर तुम्हें भी हैं, शादी का मसला है, उसके बाद फिर और बहुत सारे मसले हैं, और तुम इन सारी चीज़ों से गुजरती हो, इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त करती हो, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे पास एक बैकअप है कि चलो अगर ये काम ना किया तो मेरा बंदा जो है वो घर में कुछ ले आएगा, मेरा बाप है, मेरे भाई हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपको कोई सिक्योरिटी अवेलेबल है, पीछे बैकअप के ऊपर है ये सिक्योरिटी। मतलब खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर आपको ज़िंदगी में जो आपके ख्वाब हैं या जो भी जिसके लिए आप काम कर रहे हो वो सक्सेस आपको नहीं मिली है, तो यू हैव अ बैकअप। लेकिन इसके पास ना, ये जो एक सेल्फलेस बंदा है, इसके पास बिलीव मी ही हैव नो बैकअप एंड ही हैज टू डू इट इन एनी केस, इन एनी कंडीशन, उसको अगेंस्ट ऑल ओड्स ये करना है विदाउट एनी बैकअप। उसके पास ना कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई बैकअप नहीं है, उसको सिर्फ एक चीज़ पता है और वो ये है कि उसको ये करना पड़ेगा। और यार देखो, मेरा इस टॉपिक के ऊपर बोलने का मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि मैं कोई वन साइडेड बात कर रहा हूँ, मैं लड़कों के हक़ में बात कर रहा हूँ, जो आजकल हमारे सोसाइटी में सिचुएशन चल रही है मर्द को लेके, कितना ज़्यादा जो है वो मेस क्रिएट हुआ है हमारी सोसाइटी में। आई डू रिस्पेक्ट फीमेल्स, मैं शायद बहुत ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ और हमेशा मैं उनके हक में बोलता हूँ। मेरे लिए हर औरत, हर लड़की, ईच एंड एवरी गर्ल इज़ रिस्पेक्टफुल, और अपने घर को छोड़ के, अपने रिश्तेदारों को छोड़ के, अपने घर वालों को छोड़ के किसी दूसरे के घर में जाके दोनों फैमिलीज़ को इकट्ठा रखना और बच्चा पैदा करना, उसके बाद उसकी तरबियत करना, शोहर घर में नहीं होता, फिर सास की सुनना, कभी किसी की सुनना और शाम को आके उसका भी ख्याल रखना, ये सिर्फ एक लड़की कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता। मेरा हरगिज़ मतलब ये नहीं था कि मैं उनको डिस्करेज कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बात ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि नॉट एवरी मैन इज़ अ पपी, कि हर मर्द और हर जो लड़का होता है ना वो कुत्ता नहीं होता। तो अगर आपके पास एक अच्छा इंसान है तो खुदा के लिए टेक केयर ऑफ देम, टेक केयर ऑल ऑफ देम। वो आपका बाप भी है, वो आपका भाई भी है और वो आपका शौहर भी है। और इस सोसाइटी के अंदर ना कोई इतना आसान नहीं है मर्द बनना, बहुत मुश्किल है। और आखिर पे हमेशा की तरह मुस्कुराना मत भूलना और लोगों के लिए आसानियां पैदा करना ताकि खुदा आपके लिए आसानियां पैदा करे। थैंक यू सो वेरी मच।